दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों। और भारत जो है वो अच्छी तरीके से बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और बल्लेबाजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि सामने जो है कोई मजबूत टीम नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आप जितना जल्दी टेस्ट जीत जाए वही आप सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों कोई बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करी भी नहीं और सबसे कमजोर टीम मानी जाती है, यानी श्रीलंका और बांग्लादेश की सबसे कमजोर टीम अभी के फिलहाल दोस्तों वेस्ट इंडीज मानी जाती है। तो उस टीम के खिलाफ अगर आप टेस्ट मैच या ट्वेंटी या वर्ल्ड कप कुछ सॉरी ओडीआई कुछ भी खेल रहे तो आपको जो है वो जल्दी जल्दी मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सामने वाली टीम काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। भाई हुआ भी दोस्तों टीम इंडिया ने दोस्तों वेस्ट इंडीज को जो है मात्र 150 रन पे ऑल आउट कर दिया फर्स्ट इनिंग में। और जो है अभी इंडिया जो है ऑलरेडी बल्लेबाजी का मात्र 23 ओवर में 80 रन बना डाले सो सकते हैं। तो फटाफट हम लोग शुरू से बात कर लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बल्लेबाजी करने उतरती है, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सारे खिलाड़ी नए हैं तो कुछ एक्सपीरियंस तो नजर नहीं आता वेस्ट इंडीज में, तो बल्लेबाजी भी कुछ खास होती नहीं। लाइक क्रेग ब्रैकबैक जो कि कप्तान है वेस्ट इंडीज के, वो जो है मात्र 20 रन बनाते हैं अब 3 चौका लगाते हैं। अश्विन के बॉल पे ये भी आउट है, तो बाकी किसी का भी बल्ला नहीं चलता सिवाय एक खिलाड़ी उसको जिसका नाम है एलिक अथंजनी, जिसने 247 रन की पारी खेली 99 गेंदों में 6 चौका और 1 छक्का लगाया। अश्विन इनको भी आउट कर देते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी थे वो कोई 14 रन बनाते 15 रन बनाते 19 रन बनाते, यानी किसी का भी बड़ा स्कोर नहीं बना वेस्ट इंडीज की तरफ से। कुल मिलाकर दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो सेकेंड सेशन होते होते दोस्तों 150 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो दोस्तों भारत को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तो भारत जो है मात्र 23 ओवर तक बल्लेबाजी करता है, और इन्हीं 23 ओवरों में भारत जो है वो 80 रन ढो डालता है। जैसे दोस्तों भारत ने अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज किया, इससे पहले जो है सुमन गिल ओपनिंग करते थे, सुमन गिल को दोस्तों बर्न डाउन किया, और जैसे कि आप जानो दोस्तों चेतेश्वर पुजारा को टीम से निकाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया कुछ नए प्लेइंग 11 के साथ जा रही है, इसके अलावा दोस्तों नए स्क्वाड्स के साथ भी जा रही है। आपको बता था जिस प्रकार से भारत जो है वो WTC चैंपियनशिप का जो फाइनल जिस प्रकार से हारा है, उसी प्रकार दोस्तों भारत जो सोच रही है कुछ नया प्रयास करने के लिए, और वही प्रयास का यह नतीजा है दोस्तों कि जायसवाल और रोहित शर्मा जो है ओपनिंग किया इस मुकाबले में। और जैसे ही दोस्तों जायसवाल बल्लेबाजी जिस प्रकार की शानदार फॉर्म के साथ, ये फर्स्ट क्लास में इनका शानदार फॉर्म है, IPL में इनका शानदार फॉर्म है, तो उसी शानदार फॉर्म के साथ इसने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, और पहला डेब्यू टेस्ट मैच में दोस्तों इसने काफी शानदार परफॉर्मेंस फिलहाल अभी तक तो करके दिखाया। लगभग 73 गेंदों में जो है 40 रन की पारी इसने अभी तक खेल दी, जिसमें कि 6 चौका लगाया। भाई दूसरी ओर से दोस्तों रोहित शर्मा का भी बल्ला काफी ज्यादा बोल रहा है, और उसने भी दोस्तों 65 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, जिसमें कि 3 चौका और 1 छक्का लगाया। तो ये दोनों फिलहाल अभी नाबाद है, और 80 का स्कोर है बिना कोई नुकसान के भारत का पहले दिन के समाप्ति पर। तो देखने वाली बात होगी कि भारत जो है किस प्रकार से यह टेस्ट मैच जीतता है। अगर भारत जो है दूसरे दिन मात्र 300 के प्लस भी स्कोर खड़ा कर देता है, जो 300 या 350 या 400 रन बना देता है, तो जाहिर सी बात है कि फॉलो ऑन देकर वो जो है वेस्ट इंडीज को बड़ी आसानी से 200 के अंदर ऑल आउट कर देगा। जाहिर सी बात है कि 100 के अंदर भी ऑल आउट हो सकती है वेस्ट इंडीज की टीम। फिलहाल जो है टीम इंडिया जो है वो 70 रन पीछे है किससे, वेस्ट इंडीज से। और जाहिर सी बात है कि दूसरे दिन अगर शानदार बल्लेबाजी होगी, भारत जो है 70 रन बनाकर और 70 रन से प्लस 250 रन बना देगा, और 250 रन बनाकर दोस्तों फिर बल्लेबाजी करने देता है किसको, वेस्ट इंडीज को। और वेस्ट इंडीज जो है मात्र 150, हमको लगता है कि 200 के अंदर ही वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में कोई जान ही नहीं है दोस्तों। तो देखने वाली बात है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं जायसवाल और रोहित शर्मा। तो ये तो था पहले दिन की बात, और अब भारत जो है अपने हार को भुलाकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हार हारी है भारत WTC फाइनल में, उस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा रही थी किससे कि भारत जो है उस प्रकार से टेस्ट मैच हारेगा क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। बट दोस्तों भारत जो है एक नए सिरे से अब वापसी करने जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि वापसी जो है भारत को कुछ दिला के जाएगी। अब बॉलिंग की बात की जाए तो भारत की तरफ से शानदार बॉलिंग अश्विन ने की थी दोस्तों, 5 विकेट हासिल किया, और यही वो अश्विन है दोस्तों जिसे जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खिलाया गया। सोच सकते हैं इतने एक्सपीरियंस बॉलर को, यानी दुनिया के नंबर वन टेस्ट बॉलर को दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खिलाया गया। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई थी रोहित शर्मा से, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अब भुगता अभी दोस्तों। फिलहाल जो है अश्विन जो है शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जडेजा भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों की बदौलत दोस्तों और वेस्ट इंडीज टीम जो है वो मात्र 150 रन पे ऑल आउट हो पाई, और वहां की सिराज ने एक विकेट झटका और क्या बोलते हैं ठाकुर ने एक विकेट झटका। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी दूसरे दिन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।